सफ़ेद बालों को रिवर्स करना, बालों को लंबा करना, काला बनाए रखना, ये रेमेडी परफेक्ट है आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को लाइव करके भी बताऊंगी इस रेमेडी को किस तरह से आप यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए कोकोनट ऑयल। आप लोगों को पता है कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छे होते हैं और वो जो वर्जिन वाली होती है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, ये सारी चीज़ों से ये बचाता है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, जैसे कि आप फ्रेंड्स देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आपको कोकोनट ऑयल ले लेना है। अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ में मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ कैस्टर ऑयल। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हो, कैस्टर ऑयल हमारे बालों को तेज़ी से लंबा और काला घना बनाती है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल भी लूँगी। इस कोकोनट ऑयल में आप कैस्टर ऑयल ज़रूर मिक्स करिए। तो 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर आपको कैस्टर ऑयल भी ले लेना है। अच्छी तरह से सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये दोनों मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, ये एलोवेरा के पल्प है, जो फ्रेश एलोवेरा आती है हमारे गार्डन में अवेलेबल होती है, वही मैंने लिया है इसे। और यहाँ पे मैं इस एलोवेरा के पल्प को इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, अभी तक तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा सीरम बन के रेडी हो गया है, जो हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो, ये बहुत ही बेस्ट तरीका है आप अपने बालों को लंबे समय तक काला, लंबा, घना, मजबूत और चमकदार बना सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ दोस्तों तुलसी का पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स, आप तुलसी पाउडर आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। तुलसी पाउडर हमारे बालों की मेलेनिन पिगमेंट को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये देखिए, तुलसी का पाउडर है, मैंने यहाँ पे तुलसी पाउडर लिया है। तो 1 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आप तुलसी का पाउडर भी ले लीजिए। तुलसी से हमारे बाल बहुत ज़्यादा काले, लंबे और घने होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे कर देते हैं। इसे हेल्थ वाइज भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और आप लोगों को पता है तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली जब तुलसी आपके स्कैल्प में जाएगी तो आपके बालों को नॉरिशमेंट देगी, साथ ही साथ काला, लंबा और घना बनाएगी। तुलसी का हम सेवन करते हैं तो ये बहुत सारी बीमारियों को, बड़े से बड़े रोगों को ये दूर करती है। इसीलिए दोस्तों, आप जब तुलसी का इस्तेमाल करेंगे, जब आपके ये यू नो स्कैल्प में जाएगा, हेड मसाज लोगे आप इसका, इस तरह से देखिए प्रिपेयर कर लीजिए और इसका आप हेड मसाज करना शुरू कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को लाइव भी करके बता देती हूँ फ्रेंड्स। मेरी बहुत सारी अलग अलग रेमेडीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहती हूँ। ये देखिए, बालों को अगर काला, लंबा, घना बनाना चाहते हैं तो इस तरह से अपने बालों पे तुलसी और जो मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताई, बिल्कुल इसी तरह से बनाइए। बालों को काला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है तुलसी, और बहुत सारी रोगों से, बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है। तो चलिए, इसका एप्लीकेशन अब इस्तेमाल करते हैं बालों पर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। वैसे भी मैंने एक कोट पहले से ही लगा लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में इस रेमेडी को शेयर करूँ। जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो क्यों ना बनता है ऑब्वियसली इसे शेयर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कॉटन बॉल ले लीजिए और इस रेमेडी को इस तरह से, इस कॉटन बॉल को इसमें डिप कर लीजिए कुछ इस तरह से, और इसे अपने जड़ों पर इस तरह से लगाना शुरू कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तभी ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, तो सेम हर एक सेक्शन लेना है आपको इस तरह से। जैसे मैंने देखिए एक सेक्शन निकाली थी और उसे कवर कर लिया है, तो दूसरा जो सेक्शन है उसे भी आप इस तरह से देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। तो कॉटन बॉल की हेल्प से आप लगा सकते हैं। ये देखिए, अपने बालों पर पूरा जड़ों पर इसे अच्छे से लगाना है। तो चलिए मैं फटाफट से इसे अप्लाई कर लेती हूँ, और इस रेमेडी को बनाकर आप ज़रूर अप्लाई करिए। इससे जो आपके सफ़ेद हो रहे बाल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी आपकी। साथ ही साथ आपके बालों को लंबा करने के लिए, बालों को घना बनाने के लिए ये रेमेडी सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स। तो इसे हफ्ते में 3 बार आप ज़रूर करें, और कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि आपके बाल जो है ना बहुत ही तेज़ी से काले, लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, तो मैंने एक कोट लगाई थी, अब दूसरी कोट है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप इसे अप्लाई करें तो कम से कम आप इसे 45 मिनट्स के लिए अपने बालों पे, स्कैल्प में, जड़ों पे इसी तरह से लगा करके छोड़ दीजिए।
45 मिनट्स के बाद आप अपने बालों को किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हम हफ्ते में 3 बार अपने बालों को धोते ही हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं जो डेली भी अपने हेयर वॉश करते हैं। डेली हेयर वॉश करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप डेली अगर शैम्पू करते हो तो किसी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करिए। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि शैम्पू में कुछ ना कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड करिए जिससे कि आपके बाल हेल्दी, लंबे और काले भी रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही हल्के हल्के से आप मसाज भी ज़रूर करिए अपने बालों पे, स्कैल्प में। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने बालों पे सब कुछ कर लिया।